Student, so student, as you know that we should follow the SMS in this pandemic. S means soap, M for mask, and S means social distancing. Okay, so today we are going to start the part 3 of the chapter 3, working with window. Today we learn about component of window explorer and library folder. So first of all student, what is the components of window explorer? विंडो एक्सप्लोरर क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? सो लेट्स सी. विंडो एक्सप्लोरर अपीयर एज सोन इन द फिगर. विंडो एक्सप्लोरर ओपन विद द लाइब्रेरी फोल्डर्स सेलेक्टेड बाय डिफॉल्ट. लेट्स सी द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द विंडो एक्सप्लोरर विंडो. विंडो एक्सप्लोरर एक हमारा लाइब्रेरी फोल्डर्स होता है. हियर यू कैन सी द कंपोनेंट ऑफ द विंडो एक्सप्लोरर वेयर वी हैव टू फाइंड द फाइल एंड फोल्डर्स ऑफ अवर कंप्यूटर सिस्टम. Here give the screen of the window explorer. You have to see the backward, forward button, toolbars, address bars, search box, minimize, maximize, close button also. File folder list also appear in the window explorer. Navigation pane, scroll bar and detail panes. Okay, so let's see. Window explorer screen is divided into two part. विंडो एक्सप्लोरर की स्क्रीन हमारी दो पार्ट में डिवाइड होती है. फर्स्ट इज लेफ्ट पेन एंड सेकेंड इज़ अ राइट पेन. जैसा कि अभी मैंने आपको प्रीवियस स्क्रीन दिखाई जहाँ पे लेफ्ट पेन था, तो आधी स्क्रीन हमारी लेफ्ट पेन होती है एंड आधी स्क्रीन हमारी राइट पेन होती है. लेफ्ट पेन क्या है? लेफ्ट पेन डिस्प्ले द डिस्क ड्राइव एंड फोल्डर्स. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द नेविगेशन पेन. अपार्ट फ्रॉम द लोकल डिस्क इट ऑल्सो द एक्सटर्नल ड्राइव टू एक्ट to the compute. Means left pane display the disk drive and folder. यानी left pane में हमारे disk drives जो होती हैं, disk drive मतलब disk C, disk D, disk E या disk D जो भी हम disk drive बनाते हैं. And navigation pane apart from the local disk is also, यानी left pane को हम लोग navigation pane कहते हैं. Now राइट पेन प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो. इट इज़ बिगर दैन द नेविगेशन पेन एंड एक्यूपाई मोस्ट ऑफ द एक्सप्लोरर विंडो. राइट पेन प्रेजेंट ऑन द राइट साइड. राइट पेन हमारा राइट साइड प्रेजेंट होता है, जो विंडो लेफ्ट पेन से बिगर होता है, यानी नेविगेशन पेन से बिगर होता है. एंड एक्यूपाई मोस्ट ऑफ द एक्सप्लोरर विंडो, और आधे से ज़्यादा विंडो एक्सप्लोरर को एक्यूपाई किया रहता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द डिटेल पेन. इसको हम लोग डिटेल पेन भी कहते हैं. सिंस इट डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द डिस्क ड्राइव और फोल्डर दैट इज सेलेक्टेड इन द नेविगेशन पेन. जो भी फोल्डर और जो भी फाइल्स हमारी होती हैं वो राइट पेन में विजिबल होती रहती हैं. हियर ऑल्सो अपडेट ऑन द विंडो टेन में विंडो एक्सप्लोरर कैसे होता है, हम लोग कैसे से ओपन करते हैं, चलिए देखते हैं. इन विंडो 10 मैनेजिंग फाइल इज़ डिफरेंट फ्रॉम द विंडो 7. विंडो 10 में जो भी फाइल्स एंड फोल्डर होते हैं, विंडो एक्सप्लोरर ओपन करने का तरीका विंडो 7 से डिफरेंट होता है. इन विंडो 10 विंडोज एक्सप्लोरर इज कॉल्ड द फाइल एक्सप्लोरर. यानी विंडो 10 में विंडो 7 में हम विंडो एक्सप्लोरर को विंडो एक्सप्लोरर कहते थे, बट विंडो 10 में हम इसको विंडो एक्सप्लोरर ना बोल के फाइल एक्सप्लोरर बोलेंगे. सो लेट्स सी हाउ वी कैन ओपन इट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, देन क्लिक फाइंड फाइल एक्सप्लोरर ऑन द स्टार्ट मेनू. यानी हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया और फिर हमने फाइल एक्सप्लोरर को पे क्लिक कर दिया, हमारा फाइल एक्सप्लोरर नॉर्मली ओपन हो गया. या हम दूसरे तरीके से भी ओपन कर सकते हैं. वी फर्स्ट क्लिक ऑन द विंडो लोगो बटन, हमारे कीबोर्ड में विंडो लोगो की बटन है, उस पर क्लिक किया प्लस ई. विंडो लोगो बटन प्लस ई को हम प्रेस करेंगे तो भी हमारा फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा. नाउ सेलेक्ट द फोल्डर आइकन फ्रॉम द टास्क बार, या हम टास्क बार से भी विंडो एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं, जैसा कि हमने विंडो 7 में किया था. विंडो 7 में हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, देन ऑल प्रोग्राम, देन एसेसरीज, देन क्लिक ऑन द विंडो एक्सप्लोरर. बट विंडो 10 में हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, देन डायरेक्टली वी क्लिक ऑन द फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन. बस नेम चेंज है, वर्क दोनों का सेम है. नाउ हियर गिव द डिटेल
of the right pane fragment folder, all the things in the window 10. Means we can also कॉपिंग एंड पेस्टिंग फाइल फोल्डर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि हम किसी भी फाइल को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. एंड कॉपिंग फाइल फोल्डर अनदर लोकेशन, वी कैन ऑल्सो डिलीट फोल्डर परमानेंटली एंड सेंडिंग टू द रिसाइकिल बिन, या हम उसे परमानेंट डिलीट कर सकते हैं, रिसाइकिल बिन पर सेंड कर सकते हैं. रीनेम अ फोल्डर फाइल फोल्डर, वी कैन ऑल्सो चेंज द नेम ऑफ एनी फाइल एंड फोल्डर. एंड क्रिएट अ न्यू फोल्डर और अदर न्यू आइटम, वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ न्यू फोल्डर और न्यू फाइल इन विंडो 10 और विंडो 7 ऑल्सो. ओपनिंग अ फाइल फोल्डर, वी कैन ऑल्सो ओपन एनी फाइल एंड फोल्डर. सो नेक्स्ट इज लाइब्रेरी फोल्डर्स. वॉट इज द लाइब्रेरी फोल्डर स्टूडेंट? लेट्स सी. इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फोल्डर विच हेल्प यू एक्सेस ऑल द कंटेंट ऑफ वन पर्टिकुलर टाइप थ्रू अ सिंगल फोल्डर. मीन्स लाइब्रेरी फोल्डर इज अ स्पेशल फोल्डर विच एक्सेस ऑल द कंटेंट, यानी यहाँ पे हम पर्टिकुलर टाइप के जो सिंगल फोल्डर्स में कंटेंट होते हैं उसे हम एक्सेस कर सकते हैं. इट इज सेंट्रलाइज द डेटा ऑफ वन टाइप, यानी मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. सपोज इस यहाँ पे जो दिया गया है कि इट इज सेंट्रलाइज द डेटा वन टाइप. वन टाइप का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल यू कैन स्टोर ऑल द वीडियो फाइल एंड फोल्डर इन द लाइब्रेरी कॉल वीडियोज. अगर हमें कोई भी वीडियो की फाइल या फोल्डर्स हमें लाइब्रेरी फाइल्स में स्टोर करनी है तो वहाँ पे वीडियो का एक लाइब्रेरी वीडियो आइकन या वीडियो का फोल्डर या आइकन होगा या लाइब्रेरी होगी जहाँ पे हम, क्योंकि वीडियो में हम वीडियो. तो देयर इन विंडो 7 देयर आर डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी, देयर आर फोर डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी. विंडो 7 में फोर डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरीज होती हैं जो यहाँ पे दी गई हैं. फर्स्ट है डॉक्यूमेंट, सेकेंड म्यूजिक, थर्ड पिक्चर एंड फोर्थ वीडियो. डॉक्यूमेंट मीन्स मतलब ऑल टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल्स एंड फोल्डर स्टोर इन द डॉक्यूमेंट आइकन, यानी डॉक्यूमेंट में हमारे स्टोर होंगे डॉक्यूमेंट फोल्डर में. और म्यूजिक्स में हमारे जो भी सॉन्ग्स वगैरह म्यूजिक्स होंगी वो म्यूजिक्स में. एंड देन पिक्चर, पिक्चर में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एनी टाइप ऑफ पिक्चर वी कैन स्टोर ऑन द पिक्चर ऑप्शन. एंड वीडियोज में हम लोग वीडियो किसी भी तरीके का वीडियो स्टोर कर सकते हैं. हियर यू कैन सी द लाइब्रेरी स्क्रीन. आप लाइब्रेरी की विंडो देख रहे होंगे. यहाँ पे डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पिक्चर्स एंड वीडियोस के आइकन्स दिख रहे हैं. फोर आइटम्स हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हम लोग स्टोर कर सकते हैं, यानी डॉक्यूमेंट में वी कैन स्टोर द डॉक्यूमेंट, म्यूजिक वी कैन स्टोर द म्यूजिक, पिक्चर्स में वी कैन स्टोर द पिक्चर्स एंड वीडियो में वी कैन स्टोर द पिक्चर. सो इन विंडो 10 वी कैन ऑल्सो फाइंड द लाइब्रेरी. इट्स वेरी इजी प्रोसेस. इन विंडो 10 लाइब्रेरी डू नॉट शो अप अनलेस यू वॉन्ट देम टू, यानी विंडो 10 में लाइब्रेरी हमारी तब तक शो नहीं होती जब तक हम उसे चाहें ना. टू ऐड द लाइब्रेरी टू द लेफ्ट पेन, अगर हमें अपनी लेफ्ट पेन में लाइब्रेरी ऐड करनी है सो फॉलो दीज स्टेप. फर्स्ट वी क्लिक ऑन द व्यू टैब, हम व्यू टैब पे क्लिक करेंगे. देन नेविगेशन पे, देन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू क्लिक ऑन सो लाइब्रेरी. जैसे ही हम सो लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे आवर लाइब्रेरी स्क्रीन विजिबल. सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच. Jai Narayan. I hope today class you understand, and thank you again. If you have to any query, then ask me. Jai Narayan.